वीडियो बना बनाकर परेशान हो गया, लेकिन जो ये वॉच टाइम है ना वो कंप्लीट नहीं हो रहा। कैसे होगा, जब तक आप लोग ये गलती करोगे ना तब तक आप लोगों का वॉच टाइम ही पूरा नहीं होगा। तो देख मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपने वॉच टाइम को पूरा कर सकते हो, किस तरीके से आप लोगों को जो है काम करना चाहिए यूट्यूब के ऊपर। हम सब लोग जानते हैं कि यूट्यूब के ऊपर आने के बाद हम लोगों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाते हो फिर भी अगर आप लोगों का वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए यूट्यूब के ऊपर, लेकिन फिर भी वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, तो आप लोगों का जो मेन फोकस है वो क्या रहना चाहिए? थंबनेल के ऊपर आप लोगों को फोकस करना चाहिए, या फिर टाइटल के ऊपर, या फिर टैग के ऊपर, या फिर वीडियो के ऊपर? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का फोकस हमेशा ये रहना चाहिए कि कैसे भी करके आप लोगों की जो वीडियो है वो सर्च इंजन में जाए। एक बार अगर आप लोगों की वीडियो सर्च इंजन में चली गई ना, तो कसम से बोल रहा हूँ आप लोगों का जो वॉच टाइम है वो चुटकियों में पूरा हो जाएगा। मतलब कुछ घंटों में तो नहीं, लेकिन हाँ 1-2 महीने में पूरा हो जाएगा आराम से। अगर आप लोग अच्छे खासे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हो, अच्छा कंटेंट भी दे रहे हो, और अगर आप लोगों की वीडियो सर्च इंजन में भी चली जाती है तो आप लोगों का सारा काम बेस्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों ने 10 वीडियो अपलोड कर दी 1 महीने के अंदर, और 1 महीने के अंदर जो आप लोगों ने 10 वीडियो अपलोड करी है उनमें से किसी एक वीडियो के ऊपर अच्छे खासे व्यूज आ रहे, 150 डेली के व्यूज आ रहे, तो आप लोगों को उस वीडियो के ऊपर जाना है एंड वहाँ पर आप लोगों को जो कुछ इस तरीके का सीन देखने के लिए मिल जाएगा, आप लोग उसके एनालिटिक्स पर जाइए एंड यहाँ पर जो टर्म्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं, जो लोग आपकी वीडियो को सर्च करते हैं वो टॉपिक ट्वीट, जो आप लोगों की वीडियो को सर्च करते हैं वो टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस इन सब टैगों को कॉपी करना है, इन सब टाइटल को कॉपी करना है और अपनी उसी वीडियो में डाल देना है। 2 या 3 दिन बाद ही आप लोगों को अपनी वीडियो में फ़र्क देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोग नए नए यूट्यूब के ऊपर आ रहे हो तो आप लोगों का फोकस हमेशा यही रहना चाहिए कि कैसे भी करके मेरी वीडियो सर्च इंजन में जानी चाहिए। जैसे आप लोगों की वीडियो सर्च इंजन में चली जाएगी, आप लोगों की वीडियो के ऊपर व्यूज आने से कोई रोक ही नहीं सकता और आप लोगों का वॉच टाइम भी काफ़ी जल्दी पूरा हो जाएगा। बाकी मैं यूट्यूब से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। ये नहीं बोलूंगा कि आप लोगों को वो नहीं करना जो आप लोगों को पता है वो ऑलरेडी, मुझे मैं जानता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी, तो जो आप लोगों को पता नहीं है ना वो मैं पता नहीं आप लोगों को बताऊंगा। मतलब कन्फ्यूजन हो गया ना, आप टेंशन ना लो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन कर दो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।